नमस्कार, जय भूमिपुत्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती सिर्वे। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। नरसिंहपुर जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश भार्गव एवं महिला बाल विकास अधिकारी आशीष त्रिपाठी ने विश्व स्तनपान सप्ताह के विषय में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से जागरूकता लाने पर जोर दिया। आपको बता दें, विश्व स्तनपान सप्ताह प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्तनपान दृढ़ता पूर्वक करवाने पर जोर दिया जाता है। साथ ही इसका यह उद्देश्य है कि कामकाजी महिलाओं को उनके स्तनपान संबंधी अधिकार के प्रति जागरूकता प्रदान करना। स्तनपान सप्ताह 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाना है, उसके संबंध में मीडिया वर्कशॉप रखा गया है, जिससे बच्चों का जो सर्वाइवल है, जीवंतता है, उसमें वृद्धि की जा सके। और जो 1 घंटे के अंदर कोलेस्ट्रम फीडिंग की जो स्थिति है उसमें थोड़ा सा कमी है। जो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी जितनी हो रही है उतने कोलेस्ट्रम फीडिंग उतना नहीं हो पा रहा है, कि इसको हम किस तरीके से बढ़ा के और बच्चों के स्वास्थ्य को हम ठीक कर सकते हैं। कुपोषण को कम करने में स्तनपान का बहुत बड़ा महत्व है, बच्चों के सर्वाइवल में बहुत बड़ा महत्व है। इसको हम कम करने के लिए मीडिया का सहयोग लेके और शासन प्रशासन हमारा विभाग मिलके स्वास्थ्य विभाग के साथ सहयोग करके और विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। इसके लिए होम साइंस कॉलेज या जो डिग्री कॉलेज है उनकी छात्राओं का भी प्रशिक्षण होगा और इसके बाद हम मैटरनिटी होम में विजिट करेंगी। कैंप लगाने का कुछ ऐसा नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्र स्तर पे 1 तारीख को रैली का आयोजन किया जाएगा, 1 तारीख का, 2 तारीख को, 3 तारीख, मतलब 1 से लेके और 7 तारीख तक पूरी गतिविधियां इसमें निश्चित की गई हैं। इसी बीच इस महीने में जैसे 4 तारीख को फ्रेंडशिप डे है, 15 तारीख को रक्षाबंधन है, तो उससे भी क्लब करके चौपाल और रक्षा सूत्र का बंधन, इस तरीके की बहुत सारी गतिविधियां आंगनबाड़ी स्तर पे की जाएंगी। नरसिंहपुर से ब्यूरो रिपोर्ट।